को मेरा नमस्कार। मैं नीलाक्षी मलिक आप सभी के समक्ष देश की बड़ी खबर लेकर के आई हूँ। तो बात करते हैं आज देश की सबसे बड़ी खबर की। जी हाँ, यूपी में मायावती ने महागठबंधन तोड़ दिया। बीएसपी प्रमुख मायावती ने ऐलान किया सभी के सभी 11 उपचुनाव वे खुद लड़ेंगी। कहा यादव और जाटों के वोट ट्रांसफर नहीं हुए, सिर्फ मुसलमानों की वोट की वजह से ही उन्हें 10 सीट मिली हैं। मायावती ने अखिलेश पर बड़ा हमला करते हुए यह भी कहा कि जो अपनी पत्नी को नहीं जिता पाया वह हमें क्या जिताएगा। तो आइए बात करते हैं इसी बारे में। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जनवक्ता श्री ओम जी। नमस्कार श्री ओम जी। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी और जानना भी चाहूंगी कि इस फैसले का उत्तर प्रदेश की सरकार पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये गठबंधन बना था, बनने के साथ ही ये पता चल गया था कि ये ज्यादा दिन चलने वाला गठबंधन नहीं है। वजह यह है कि जो मायावती की राजनीति है वो अखिलेश की राजनीति से भिन्न है, मुलायम सिंह की राजनीति से भिन्न है। दोनों ही जाति की राजनीति करते हैं और दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो है मुस्लिम वोट, और उसको बटने पर दोनों को नुकसान होता है। अगर इनका एक का वोट दूसरे को मिलेगा तब फायदे की उम्मीद थी, जबकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन चुनाव से पहले जब ये गठबंधन हुआ था तो लोगों ने, जो ज़्यादातर चैनल्स थे, उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि उनका 22%, उनका 23% मिल जाएगा तो 45% हो जाएगा, लेकिन होता ऐसा नहीं है। वो 22 और 23 की बजाय अखिलेश का जो वोट बैंक है वो खिसक के 18 पे आ गया और मायावती की सीटें 10 पर आईं, अखिलेश की सीटें 5 की 5 रह गईं। वजह यह थी कि जो आज का जो भारत है वो जाग चुका है और जाति की राजनीति से बाहर निकल चुका है। ये जो लोग मान के चल रहे थे कि यादव वोट बैंक है सपा का और दलित वोट बैंक है बसपा का, वो हुआ नहीं। और उसी का परिणाम ये है, जैसा मायावती ने आज कहा भी कि हमें जो वोट मिले हैं वो मुसलमानों के वोट मिले हैं, और ये शायद उनकी बात में थोड़ी सच्चाई हो सकती है, क्योंकि मुस्लिम का जो वोट है भारतीय जनता पार्टी को मिला है, लेकिन जो ज़्यादा वोट मिला है वो बसपा को मिला है, कांग्रेस के मुकाबले में थी नहीं। और उसका परिणाम ये हुआ कि मायावती 0 से 10 पर आ गई। वहीं दूसरी तरफ मायावती का जो वोट था वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ सपा को, जिसका अंदेशा सपा को भी था, और इसके तरफ इशारा मुलायम सिंह ने नाराज़गी जता के किया था। और शिवपाल यादव जो अखिलेश के चाचा हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि किसी भी हालत में यादव मायावती को वोट नहीं देगा। यही बात आज मायावती कह रही है, और मायावती के बारे में फेमस है कि वो अवसरवादी राजनीति करती है, वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। यही वजह है कि आज उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि हमें अब गठबंधन की ज़रूरत नहीं है, और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि जो अपनी बीवी को नहीं जिता सकता वो हमें क्या जिताएगा। और हकीकत यही है कि अखिलेश यादव के परिवार के पिछली बार जो 5 सांसद थे, अब वो 3 उनमें से हार चुके हैं। केवल अखिलेश यादव और मुलायम सिंह ही सांसद बचे हैं, अखिलेश की पत्नी हार चुकी है। तो ये कितना बड़ा सेटबैक है अखिलेश यादव के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, और इसी वजह से बसपा ये मानकर चल रही है कि अभी जो 11 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, अगर हम सपा को लेकर चलेंगे तो आधी सीटें उन्हें देनी पड़ेंगी और हमारा चांस जीतने का जो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है उसके हिसाब से कम हो जाएगा। और इसी के साथ साथ ये बताया जा रहा है कि पिछले 10 सालों में मायावती ने एक भी उपचुनाव नहीं लड़ा और इस बार वो पूरे 11 उपचुनावों पर खुद ही लड़ने की बात कह रही हैं। केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, भी कहते हैं कि प्रदेश में अपना अस्तित्व बचाने के लिए बुआ और बबुआ का साथ आते आते ही लेकिन खत्म हुआ। जनता तो सारा सच पहले से ही जानती थी और उसने सोच समझकर ही वोट किया था। अब हाथी नहीं करेगा साइकिल की सवारी, मायावती जी अकेले ही लड़ेंगी उपचुनाव। आखिर में बुआ ने बबुआ को धोखा दे ही दिया, हाथी और साइकिल का कोई मेल था ही नहीं, सिर्फ ये तो सिर्फ मोदी जी का ही विरोध था। तो बताइए सर कि मायावती ने ऐसा क्यों कहा? नहीं, मायावती देखिए बहुत ज़्यादा घुटी हुई नेता है, एक अलग, वो अपने फायदे के लिए किसी के भी साथ गठबंधन करती है और फायदे के बाद वो गठबंधन को तोड़ देती है। मायावती जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी तो उसको मुख्यमंत्री बनाने में भारतीय जनता पार्टी का योगदान था, उन्होंने इसको समर्थन देके मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की बारी आई तो मायावती ने अलग कर लिया गठबंधन से। उसके बाद सपा से मायावती का गठबंधन हुआ और वहाँ जब झगड़ा हुआ, मार देने की नौबत आई, भारतीय जनता पार्टी ने मायावती को बचाया तो मायावती मुलायम से अलग हो गई। लेकिन अब जब वही गेस्ट हाउस वाली बात जो लोग उठा रहे थे कि गेस्ट हाउस का जो कांड हुआ था जिसमें माया को मारने की कोशिश हुई थी, मायावती ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उन लोगों से समझौता किया
और अब जब उनके समझौते के बाद 10 सीटें आ गई हैं, तो मायावती ने ये उचित समझा कि अब अखिलेश यादव और उसकी पार्टी का कोई यूज नहीं रह गया है। जैसा उन्होंने कहा कि आरएलडी का भी उन्होंने गठबंधन किया था लेकिन जाटों के वोट नहीं मिलते। अब स्थिति ये है कि भारत की जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि वो किसी का वोट बैंक नहीं है। थोड़े बहुत लोग अभी भी हो सकते हैं, लेकिन सभी के सभी लोगों को अगर वोट बैंक मान के कोई पार्टी चुनाव लड़ने जाएगी तो उसकी हालत वही होगी जो मायावती की हुई अखिलेश यादव की। इस वजह से मायावती ये मान के चल रही है कि अगर जो उपचुनाव होना है 11 सीटों के लिए, उस पर अगर वो अकेले लड़ेंगी तो 11 में से जो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी या संभावना के अनुसार उनके 2-4 चांस बनेंगे, लेकिन अगर सपा के साथ गठबंधन वो करेगी तो हो सकता है वो 2-4 की बजाय चांस कम हो जाए। ये वजह है कि मायावती ने वो हार का ठीकरा अखिलेश के सर पर फोड़ दिया है। और अखिलेश यादव इस समीक्षा से बच रहे थे, इसीलिए अभी तक 10 दिन हो गए चुनाव का रिजल्ट आए हुए, उन्होंने अपनी पार्टी में कोई इसकी चर्चा नहीं की है, क्योंकि अखिलेश यादव को ये डर है कि समाजवादी पार्टी के अंदर से ये बात उठेगी कि मायावती से समझौता करने की वजह से उनको दलितों का वोट नहीं मिला, इस वजह से उनकी हार हुई है। तो ये एक होता है कि आईने का सामना कोई कर पाता है और कोई नहीं कर पाता। मायावती इस मामले में बहुत ज़्यादा बोल रही हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन उसके बारे में क्या सोचता है, क्या आगे फर्क पड़ेगा। उसका जो वोट बैंक है वो ये मान के चलती है कि वो हमारे साथ है और उसके बल पर हम चुनाव जीत सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अखिलेश की पार्टी इस पर क्या प्रतिक्रिया दे सकती है? नहीं, अब उनके पास प्रतिक्रिया देने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि अखिलेश ने जो दाव चला था उसका में जो उद्देश्य था वो केवल और केवल लोकसभा चुनाव था। हमने पहले ही कहा था कि ये केवल लोकसभा चुनाव के लिए है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश अगर मायावती को समर्थन विधानसभा में करेगा तो वो अपने आप को खो देगा, और मायावती अगर अखिलेश को समर्थन करेगी तो वो अपने आप को मिटा देगी। तो ऐसा दोनों लोग करने वाले नहीं हैं। विधानसभा चुनाव के लिए इन्हें अलग होना ही था, और जैसा कि रिजल्ट रहा, रिजल्ट में मायावती का फायदा हुआ तो पहल इस बार मायावती ने की, क्योंकि अखिलेश के पास पहल करने की ताकत नहीं बची थी। 5 सीटें हैं लोकसभा की उनके पास, और बड़े दल के रूप में मायावती लोकसभा में उनके सामने रहेगी। हाँ, ये दूसरी बात है कि मायावती अभी फिलहाल खुद सांसद नहीं है, और वो ये कोशिश जो कर रही हैं वो खुद राज्यसभा में जाने की कोशिश में ये सब हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरीके से मायावती के खिलाफ, उसके भाई के खिलाफ CBI की तमाम जाँचें चल रही हैं, तो वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से अपना सॉफ्ट रिलेशन बनाने के लिए वो अलग हुई है सपा से, कि शायद भारतीय जनता पार्टी उनको थोड़ा सा मदद कर दे और उसको राज्यसभा जाने का मौका मिल जाए। तो सपा का अब ये जो आगे की रणनीति रहेगी उसमें कहीं न कहीं अखिलेश के खिलाफ लोगों का विरोध उभरेगा कि अखिलेश ने अपने पिता की बात न मानते हुए, मुलायम सिंह को नजरअंदाज करते हुए जिस तरीके से गठबंधन किया था, अपने चाचा को भी अलग कर दिया था, और उसका परिणाम ये हुआ कि इनको सीटों का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। गिनती तो 5 की 5 रही लेकिन परिवार के 3 लोग हार गए। तो इस वजह से पार्टी, चूंकि ये परिवारवादी पार्टी है, नाम हालांकि समाजवादी पार्टी इनका होता है, तो इस परिवारवादी पार्टी में भी विद्रोह की बात उठ सकती है। लोग प्रश्न उठा भी रहे हैं, कई लोग कह भी रहे हैं कि हार की जिम्मेदारी अखिलेश यादव को लेनी चाहिए, कि अगर वो 37 सीटों पर चुनाव लड़े हैं और उनमें से उतनी ही सीटें आई जितनी पहले थी, तो कुछ ना कुछ तो कारण रहे होंगे, या गठबंधन गलत हुआ, या फिर उन्होंने जो रणनीति अपनाई या प्रचार अलग से किया। तो अब समाजवादी पार्टी को भी समीक्षा करनी पड़ेगी, और उन्होंने जो जैसे फैसला लिया था कि TV चैनलों पर अपने प्रवक्ता नहीं भेजेंगे, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। अब उन्हें ये देखना पड़ेगा कि आने वाले विधानसभा का जो उपचुनाव है उसमें जब वो मायावती के खिलाफ प्रत्याशी उतारेंगे तो किस तरीके से उन्हें उसका विरोध करना है, क्या उससे उन्हें बचाव करना है, या वो मायावती के समर्थन में अपने कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, तो ये सोचने वाली बात है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ आप सभी जुड़े रहिए इंडियन TV से, हम आने वाले समय में आपको इस गठबंधन के बारे में और भी खबरें देते रहेंगे। अलग अलग जनता के अलग अलग विचार हैं, तो हमें ज़रूर बताइए कि आपके क्या विचार है इस महागठबंधन के टूटने के बारे में, जुड़ाव के बारे में, जीतने के बारे में और हारने के बारे में। जय हिंद, जय भारत।